आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना स्थित झारखंड बिहार के 14 बॉर्डर पर स्थित गांव से गुप्त सूचना के आधार पर चोरी के 3 बाइक, 1 पिकअप वैन, 1 ऑल्टो कार के साथ 5 वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की। चोरी करने वाले सूरज पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस सूचना मिली थी कि गांव में कुछ लोग चोरी के वाहन को छुपा कर रखे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर सभी वाहन को जब्त कर लिया गया। इस सर्च अभियान में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह, गौतम कुमार, राजू मरांडी, मणिलाल सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, प्रदीप कुमार, सबोध सिंह सहित पुलिस के और भी जवान शामिल थे। हजारीबाग जिला ब्यूरो, मुकेश कुमार की रिपोर्ट। 5/2020 को वरीय पदाधिकारियों की आसूचना के सत्यापन के क्रम में चौपारण थाना प्रभारी तथा अन्य पुलिसकर्मी तथा पुलिस पदाधिकारी उनके द्वारा आसूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन में ये बात सच पाई गई कि चोरी का वाहन का प्रयोग कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में छोटाहा में छापेमारी की गई। छापामारी के क्रम में ही 3 मोटरसाइकिल, 1 अल्टो कार और 1 पिकअप बरामद हुआ। एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। आज दिनांक 10:30-11 के आसपास व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है। और इनके द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों का भी नाम लिया गया है, जिनका नाम क्रमशः मनु पासवान पिता स्वर्गीय बुधन पासवान और एक सुरेंद्र पासवान पिता स्वर्गीय भवानी पासवान। ये दोनों छापामारी के क्रम में घर में नहीं पाए गए, लेकिन छापामारी लगातार जारी है और जल्द से जल्द दोनों ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य भी जो संलिप्त अगर कोई व्यक्ति है उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। अगर कोई संलिप्त है तो उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अन्य भी जो चोरी किए गए वाहन है उनकी भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, उनको भी जल्द से जल्द।